कैरिटास पाकिस्तान ने डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इंटरवेंशन पे काम शुरू किया तकरीबन कोई 8-9 साल पहले। तो जो बुनियादी मकसद था डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की एक्टिविटीज को स्टार्ट करने का, वो यही था कि जब कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है जैसे फ्लड्स हैं, अर्थक्वेक है, साइक्लोन है, ड्राउट है और उसके अलावा कोई भी नेचुरल और मैनमेड डिजास्टर जो है वो हमारे मुल्क को हिट करता है जिससे काफी ज्यादा कैजुअलिटीज और इम्पैक्ट्स जो है वो लाइफ स्टॉक्स पे, लाइवलीहुड पे और लोगों की जो हाउसिंग्स है उस पे होता है। तो उन सारी चीजों को देखते हुए कैरिटास पाकिस्तान ने महसूस किया कि हम पाकिस्तान में डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की जो एक्टिविटीज हैं उनको स्टार्ट करेंगे। उसको जहन में रखते हुए कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की जो इंटरवेंशन हैं वो हमने स्टार्ट की, सातों डिसीजन यूनिट्स में की और वहाँ पे जो हैजर्ड प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स थे, विलेजेस थे, उनको हमने टारगेट किया और वहाँ पे मास स्केल अवेयरनेस, कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर प्रिपेयरनेस इंटरवेंशन, लोगों की एंगेजमेंट, लोगों को इकट्ठा करना सो दैट कोई भी अगर जो है वो डिजास्टर आता है तो लोग जो है वो पहले से तैयार हों और लोगों के अंदर उतनी कैपेसिटी हो कि वो उस जो डिजास्टर है उसको रिस्पॉन्स कर सके इमीडिएटली और जो इम्पैक्ट है किसी भी डिजास्टर का वो कम से कम हो। तो हमें इसके नतायज जो है वो बड़े अच्छे मिले क्योंकि रिसेंट टाइम में अगर हम देखते हैं 2020 में तो एक COVID-19 जो पेंडेमिक है उसको फेस करना पड़ा कैरिटास पाकिस्तान की टीम्स को भी और उसके साथ साथ जाहिर है पूरी दुनिया ने COVID-19 का जो पेंडेमिक है उसको फेस किया। तो मैं ये कह सकता हूं कि उस टाइम पे हमारे जो वॉलंटियर्स थे, हमारे रजाकार थे, हमारी जो कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटीज थी उनका रोल बड़ा अहम रहा। उस सारे टाइम में वो लोगों के पास गए, उन्होंने लोगों को अवेयरनेस फ्राहम करने में अपना रोल प्ले किया क्योंकि ये सबके लिए एक बड़ी यूनिक सी इमरजेंसी सिचुएशन थी कि इसको कैसे मीट करना है, उसके चैलेंजेस को कैसे जो है वो फेस करना है। तो कैरिटास पाकिस्तान की डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी जो थी गांव की सतह पे, कॉलोनीज की सतह पे, शहर की सतह पे, जहां जहां पे भी हमारे ग्रुप्स अवेलेबल थे उन्होंने अपना बहुत अहम रोल प्ले किया ताकि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का जो कंपोनेंट है उसको हम फरोग दे सके। और हम बिलीव करते हैं, कैरिटास पाकिस्तान बिलीव करता है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है उसके जो प्रायोरिटी एरियाज हैं कैरिटास पाकिस्तान ने भी अपने जितने भी थीमेटिक कंपोनेंट्स हैं डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से रिलेटेड उनको उनके साथ मैच किया है ताकि हम जो है वो एक कोऑर्डिनेशन में रहें जो भी पाकिस्तान में हम काम करते हैं। इसी तरह सेंडाई फ्रेमवर्क जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे है उनको भी हम बड़ा क्रिटिकली देखते हैं कि कैसे हम उनके साथ मीट करते हैं या उनको मैच करके हम अपना जो प्रोग्राम है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का उसको हम आगे की तरफ लेके चलते हैं। अब अगर हम देखते हैं कि उसी साल में 2020 में फ्लड्स की सिचुएशन को भी फेस करना पड़ा, एक साइड पे COVID-19 की सिचुएशन थी और दूसरी साइड पे फ्लड की सिचुएशन थी, वहां पे भी हमने देखा कि जहां जहां पे फ्लड की सिचुएशन को फेस करना पड़ा पंजाब में, सिंध में और KPK में, वहां पे हमारी जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ग्रुप्स जो थे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपना रोल प्ले किया और मैक्सिमम तरीके से जो उन्होंने लोगों को पहले तैयार किया हुआ था और उनकी उस तैयारी की वजह से जो इम्पैक्ट था वो कम से कम हुआ। तो हम चाहते हैं कि जो अवेयरनेस रेजिंग है, कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर प्रिपेयरनेस एक्टिविटीज़ हैं, मैस स्केल अवेयरनेस है, इंफॉर्मेशन एजुकेशन जो पब्लिकेशंस हैं, जो मटेरियल्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हमें इस्तेमाल करना चाहिए और जो वॉलंटियरिज्म है, रजा कराना जो एक सोच है उसको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करना चाहिए ताकि गाँव की सतह पर ख़ासतौर पर हाई हैजर्ड प्रोन जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, विलेजेस हैं, उनमें ऐसे जो इंटरवेंशंस हैं उनको हमें इंप्लीमेंट करना चाहिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की कैपेसिटीज जो है उसको एनहेंस कर सकें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा सकें किसी भी ऐसी सिचुएशन से, मैन मेड और नेचुरल डिजास्टर से, ताकि जो इम्पैक्ट है, जो इफेक्ट्स हैं वो कम से कम हो और लोग जो है वो सेव हो सकें।